ये देखो पुराने जमाने के ट्रंक लकड़ी के, आजकल तो दूसरे आ गए, ये भी लकड़ी का है दूसरा वाला भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम नेटवर्क कैसे लाते हैं। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर नेटवर्क, ये जगह इस स्पॉट पे जो इतना सा स्पॉट है ये, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ढूंढना पड़ता है। ऐसे मैनुअल नेटवर्क नहीं होता, उस ढूंढना पड़ता है। ये गांव की किचन, ये हमारा देसी चूल्हा भाई, यहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं है, देख सकते हो आप, डबल ट्रिपल चूल्हा है, इधर इधर भी चूल्हा है, इधर भी चूल्हा है। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्की आपका होस्ट और दोस्त यहाँ पे आज आपके लिए एक और कंटेंट लेकर आया हूँ। जिस तरह मैं गांव में आया था, तो आज हमारा तीसरा दिन है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे। और आज मैं आपको अपने घर से रूबरू कराना चाहता हूँ कि हमने स्टार्टिंग में यहीं पे घर बनाया था और यहाँ घर से कितना खर्चा हुआ, कैसे कैसे बना ये। तो अभी पहले आपको फर्स्ट व्यू दिखाता हूँ मैं, किस कैसा सामने से देखने को, कैसे जो मैंने आपको वहां से दिखाया था ना, वो जगह दिख रही है पार, यहाँ पे वो टीन जैसी दिख रही हुई आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, इस जगह से मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारा गांव है और वो मेरा घर है। तो वो सामने से देखने से कुछ ऐसा लगता है, ये एक स्ट्रक्चर देखो, ये यहाँ पे एक कॉमन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है तो यहाँ पे टीन ही ज्यादा चलती है, बाकी जैसे कच्चा यहाँ पे मिट्टी वाला पूरा छत है, पर सामने हमने टीन लगाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी है बर्फ वगैरह पड़ती है। तो ये हमारा फ्रंट फेस है घर का। और अभी पहले आपको नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ, जो डाउन में है, जो स्टार्टिंग में बनाया गया था। पहले तो मैं बात बता दूं आपको कि जो ये फ्रंट फेस बना हुआ है, पहले यहाँ पर ये तीन कमरे होते थे छोटे छोटे छोटे, उसको दो कमरों को मर्ज कर लिया गया और एक बड़ा हॉल बनाया, पूजा रूम को पूजा रूम ही रहने दिया। तो अब आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ मैं क्या क्या, अब हो सकता थोड़ा सा अंधेरा हो। तो ये पूरा कमरा है जो हम शादी कराई थी, मेरे मेरे से छोटा ही है, उसकी शादी हो गई है और ये उसको एज ए शादी में मिला हुआ है सामान, तो यहाँ पे बड़ा हुआ, यहीं पे शादी हुई थी और ये पूरी डेकोरेशन हुई है। ये एक पूरा हॉल सा बनाया गया छोटा, ताकि कोई फंक्शन वगैरह हो तो बंदा आराम से यहाँ पर एडजस्ट हो सके। तो ये हमारा है पूजा रूम, उसको चल के खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो साथियों ये देख सकते हैं मेरा करके पूजा रूम है, और ये ट्रंक यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लकड़ी भाई, जब लकड़ी यहाँ पे ऐसे मिली है, देखो कितनी लकड़ी पड़ी हुई है, इतनी सी लकड़ी अगर आपको नहीं नहीं करते भी 50-60 हजार रुपए की लकड़ी पड़ जाएगी, इतनी लकड़ी यहाँ पे, पर यहाँ से लेना मुश्किल ही नहीं दोस्तों, नामुमकिन है। ये हमारा छोटा सा पूजा रूम, यहाँ पे लाइट वगैरह कभी कभी आ जाती है, ये है। और ये अलमारी है कुछ, और इस तरीके से छोटा सा फेज है यहाँ पर पूजा रूम का। तो अभी चलते हैं हम बाहर की तरफ, जो हमारा मेन एंट्रेंस वहां से उस तरफ चलते हैं। तो ये है बैक फेस मेरे घर का, जहां से आपने शायद स्टार्टिंग फर्स्ट ब्लॉग पहले ब्लॉग में देखा होगा जब मैं आया था यहाँ पर जिस दिन। तो यहां से कुछ इस तरीके से है, आप पीछे वादियां देख सकते हो भाई, यहाँ पे रहने की फुल मौज है, बस एक लाइट पानी और नेटवर्क आ जाए तो कोई कमी नहीं है किसी चीज की। बाकी ये किचन है, इसको मैं बाद में दिखाता हूँ। ये हमारा बैक एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर होते हैं क्योंकि फ्रंट से तो आप देख ही सकते हैं, वहां से कोई गुंजाइश नहीं थी। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट बेडरूम में दिखाता हूँ, जो मेन बेडरूम है। तो ये कुछ वहां से सामने से एंट्रेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलाकारी, देख सकते हो यहाँ पे पूरे पेंट शेंट करके यहाँ पे डब्बे डब्बे बनाए हुए हैं। और ये है पूरा अंदर का व्यू, ये देख सकते अलमारी है, यहाँ पे सामान रखा हुआ है और जो भी पुराना सामान यहाँ पे रिपेयरिंग का सारा सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे फोम रहने के लिए एक्स्ट्रा डबल बेड लगा हुआ है। ये हमारी टीवी ट्रॉली यहाँ पे बड़ी देर से पड़ी है, टीवी शीवी तो हम ले गए इधर से, पर ट्रॉली जरूर पड़ी है। पंखा पड़ा हुआ है, कभी कभी जरूरत पड़ती है पर ऐसे ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि रात को तो यहाँ पे कम्बल लेना पड़ता है, इस टाइम तो यहाँ पे कम्बल लेना अनिवार्य है। और ये हमारे, ये भी ऊपर अलमारी नीचे भी अलमारी है, ये पूरा से गोदाम टाइप होता है ना अंदर पूरा, तो ये पूरा यहाँ पे भी सेटिंग रखी हुई है। ये देखो पुराने जमाने के ट्रंक लकड़ी के, आजकल तो दूसरे आ गए, ये भी लकड़ी का है दूसरा वाला भी। और इस तरीके से ये हमारा पहला रूम है, अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। तो दूसरा रूम हमारा गेस्ट रूम है, यहाँ पे हमारे सेटी वगैरह पड़ी हुई है, सोफे और टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ से लाइट एंटर है यहाँ पे फ्यूज, दो अलमारियां यहाँ पे बनाई हुई है, एक यहाँ पर
यहाँ पर और इधर दो दो तरीके, और इसका भी आप देख सकते हैं डिजाइन। किसी को अगर ऐसे डिजाइन बनाने तो कॉन्टेक्ट करें, डीएम करें मुझे, और कमेंट करके बता सकते हैं हमें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये डिजाइन। और अब चलते हैं हम तीसरे रूम की तरफ। तो तीसरा रूम हमारा जो जिस बेडरूम में हम रह रहे थे, तो वो ये है इधर। तो इस रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये भी एक छोटा सा बेडरूम, मतलब डबल बेड वाला, और यहाँ पे चेयर वगैरह। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम नेटवर्क कैसे लाते हैं। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर नेटवर्क, ये जगह इस स्पॉट पे जो इतना सा स्पॉट है ये, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ढूंढना पड़ता है। ऐसे मैनुअल नेटवर्क नहीं होता, उस हिसाब से ढूंढना पड़ता है। ज्यादातर इस जगह पे इधर और इधर, या फिर ये जहां पर रुमाल पड़ा है इधर नेटवर्क आ जाता है ज्यादातर, पर कभी कभी नहीं भी आता। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो फोन पे आपको नेटवर्क दिखाता हूं, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, वो ये देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये देखो, कोई नेटवर्क नहीं है भाई इधर, ये आपको दिख रहा होगा अगर, तो नेटवर्क नहीं आता यहाँ पे। मैंने आपको स्पॉट दिखा दिया, वहां पे नेटवर्क आता है और बीच बीच में कभी कभी ना, पहले तो यहाँ पे वो भी नहीं आता था, तो जितने दिन यहाँ पे रहे तो बंद ही रहता था सिस्टम। फिर आ जाके यहाँ पे ये बालकनी है हमारी, और यहाँ पे नेटवर्क आता है। डैडी नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, आ रहा है नेटवर्क? नहीं आ रहा। तो ये बहुत बुरी हालत है, डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ जगह पे ऐसी ऐसी जगह है यहाँ पे भाई फोन करने के लिए भी नेटवर्क नहीं है, तो डिजिटल तो कहाँ पे होगा। तो मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहता, पर इस पर ध्यान दिया जाए तो कह रहे हैं अभी आने वाले टाइम में यहाँ पर हो सकता है टावर एक लग जाए। तो ये है मेरा घर का रूम टूर वगैरह, होम टूर, इतना सा हमारा घर है। और यहाँ से ये डिजाइन, और ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लाई से बनाए हुए छोटे छोटे डिजाइन अटैच किए हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा होम टूर जो भी है, आपको अगर पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो मुझे अच्छा लगे। और कमेंट करके वीडियो की रीच बढ़ेगी, चैनल की रीच बढ़ेगी, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। तो अब चलते हैं हम आखिरी फेज की तरह, जो हमारा किचन, ऐसा बाथरूम है नहीं, बाकी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे अभी दिखाऊं मैं अगर आपको, तो ये है हमारा किचन, और इधर से भी बाहर की तरफ ओपन है वहां इस साइड। अब किचन देख रहे हैं, किचन ये है हमारा भाई। बहुत सारे बंदों ने गांव की किचन नहीं देखी, तो आज आप देख सकते हैं ये है गांव की किचन। ये हमारा देसी चूल्हा भाई, यहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं है, देख सकते हो आप, डबल ट्रिपल चूल्हा है। इधर इधर भी चूल्हा है, इधर भी चूल्हा है, तो आप इधर आग लगाएंगे, जैसे अभी आग थोड़ी देर बाद अगर वीडियो बनती है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो यहां से आग लगती हुई उधर निकलती है, उधर निकलती है, तो डबल ट्रिपल सिस्टम है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर हमारे वहां पे सिंक होती है, जैसे यहाँ पे बनाई गई हुई है, और ये सीमेंट से थोड़ा बचा था, वहां पे सीमेंट बना के सिंक बनाई है। ये खिड़की और ये लकड़ियां इकट्ठी करके रखी है, आपको पता है लकड़ियों के बिना तो काम नहीं चलेगा। और ये है हमारी किचन, ऊपर शेड लगाया हुआ, ये टेम्परेरी किचन है, और गिरने की कगार पे यहाँ से दरारे देख सकते हो। तो ये है हमारी किचन, यहाँ पे रोटी बनती है और रोटी खाते भी है, और बहुत मजा आता है। एक चीज यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या, आपको यहाँ पे ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जिस चीज से ये चीज बनी रहती है, ये हमारी मिट्टी से बनती है, तो मिट्टी वाली चीज जो आपको पता है यहाँ पर ना गर्मी लग रहेगी या ना आपको ठंड लगने देगी, ये अब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हमने बाथरूम की कोशिश जरूर की थी, ये देखो बाथरूम पर वहां पे इन्होंने लकड़ियों का गोदाम बना दिया हुआ है। यहाँ की जो सीट थी वो हमारे ना होने के कारण किसी ने वो तोड़ दी, किसी ने पत्थर मारा कि क्या किया, वो टूट गई है सीट, और अब ये बाथरूम काम बाकी। देख सकते हैं खड्डा भी बनाया था सेफ्टी टाइप, और ये हमारे बाग है यहाँ पर, ये सेब के पेड़ हैं, सारे सेब के पेड़ हैं, और ये तार है, यहाँ से तार हमने कनेक्शन अंदर की तरफ लिया है। आज तक हमारे यहाँ पर लोहे के खंभे नहीं लगे, देखो आज भी लकड़ी के खंभे लगाकर हम काम चला रहे हैं जैसे तैसे। तो भाई कब होगा, करो कब होगा डिजिटल इंडिया? नहीं हो भाई, जहाँ पे ऐसे ऐसे गांव, हमारे जरूरी नहीं मेरा गांव, और भी आगे बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी तक लाइट भी नहीं पहुंची, जहाँ पे फिर थोड़ी बहुत लाइट आती है, पर कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ पे लाइट तक नहीं आती है। तो भाई ये मुझे नहीं लगता लक्षण ग्रो होने के हैं। तो ये था छोटा सा सेटअप टूर, होम टूर मेरा घर का। और अभी आप स्टार्टिंग में जब मैंने एंट्री की थी वहां से आप देख सकते थे कितना खूबसूरत सा पीछे
पहाड़ दिख रहे थे, बादल दिख रहे थे, तो अभी वहां पे आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूं। Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. तो साथियों, अभी जैसे मैंने आपको बोला था पहले कि मैं आपको किचन दिखाऊंगा, तो ये किचन में जैसे आग जलाई जाती है लकड़ी रख के, तो यहाँ पे एक शिम्बड़ बोलते हैं हम, यहाँ पे जो चीड़ की लकड़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा आग पकड़ती है, तो उस तरीके से यहाँ पे आग जलाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरीके से आग जला कर लकड़ी के नीचे रखे और फिर आराम से आग लगाई जाती है। तो ये हमारी है देसी किचन गाँव की। और इसके बाद आपको ले चलता हूँ दोस्तों मक्का, मक्की बोलते हैं जिसको हम, और ऐसे मक्का भी बोला जाता है। ये हमारी पकी हुई मक्का इस टाइम आपको मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पे, तो ये हमारी मक्का। और यहाँ पे साथ में हमारी रसोई घर भी है, जो हमारा बहुत पुराना रसोई घर है, जो स्टार्टिंग में गांव दादू वगैरह होते तब रसोई घर लेफ्ट में दिख रहा है। और यहाँ पे भैंसिया, भैंसिया देख सकते हो आप, शक्ल देख रहे हो, तो ये हमारी भैंस। यहाँ पे गाय, आपको पता है यहाँ पे जानवर पाले जाते हैं दूध वगैरह के लिए, तो घी मक्खन दही की जितनी भी नीड है वो सारी इधर से ही पूरी की जाती है, क्योंकि ये बाज़ार तो है नहीं, आप जाएंगे लाग लगाएंगे और लेकर आएंगे, तो यहाँ पे खुद ही पालने पड़ते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बच्ची है, और यहाँ बच्ची बोली जाती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसी लाइफ रहती है विलेज लाइफ, बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो एक्सप्लोर नहीं की, जो गाँव के लोग अक्सर करते हैं, जैसे गाय को चराना और उनको खाना, मतलब कि घास डालना, गोबर वगैरह, और लकड़ियाँ कहाँ से लाई जाती हैं, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं बताई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, तो मैं आगे भी इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज और आएँ तो भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, तो आपका भाई आग लगा देगा शहर में, आपने चिंता नहीं करनी, गाँव में भी लगा देगा पर असली में नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा लेता हूँ मैं आपसे, अब मिलेंगे आप नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय डुगर, जय डोगरा।